हेलो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि यार आपके घर में जो मटका होता है वो धीरे धीरे पानी ठंडा करना बंद कर देता है। इसका रीजन यह है कि धीरे धीरे इसके जो छिद्र हैं वो रुक जाते हैं और पानी ठंडा होना बंद हो जाता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ कि जो पुराना आपका मटका है, जो भी पानी ठंडा नहीं कर पा रहा है, उसमें भी आपका जो पानी है वो काफी ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको जो है नमक लेना है और आपको इस मटके को भिगोकर उस नमक को इसके ऊपर जो है अप्लाई करना है। देखिए, नमक को अच्छी तरीके से आपको पूरे के पूरे मटके पर लगा लेना है। और अब आपको एक जूना लेना है जो आपका घरों में यूज होता है। मैंने नया इसलिए लिया है ताकि इसमें जो है कोई भी चीज पहले से ना लगी हो, और इसको अच्छे से आपको रगड़ कर साफ करना है ताकि जो इसके छिद्र हैं वो जो है रुके हुए खुल सके। दोस्तों, इसका पानी ठंडा करने के दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन ऐसा है कि जो आपके घरों में बोरी मिलती है उसका टुकड़ा काट कर आप इसके चारों तरफ लपेट दीजिए, बट जो बोरी के छिद्र होते हैं वो काफी जो है ना बिल्कुल पास पास होते हैं, तो उनमें से हवा पास होने में प्रॉब्लम आती है। दूसरा तरीका दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरे पास जो है कूलर का घास पड़ा हुआ था घर पर, ठीक है, ये बच गया था कि मैंने दूसरे कूलर में लगाया था, तो उसका हमने जुगाड़ किया है। आपको प्रॉपर जो है ये कूलर वाला घास जो है वो आपको मटके के चारों तरफ लपेट लेना है, और ऊपर से जो आपकी ये मच्छरदानी है, ठीक है, इसको आपको उसके ऊपर से अच्छे से लपेट देना है। इससे फायदा ये होगा कि जो घास है वो इधर उधर नहीं बिखरेगा, और जब आप पानी डालोगे तो वो अच्छे से भीग जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने जो है इसको अच्छे से चारों तरफ से कवर कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आप इसमें पानी भरेंगे और पानी भरने के टाइम आप इसको थोड़ा सा भिगो देंगे तो पानी के चांसेस है कि वो काफी अच्छे लेवल पर ठंडा आपको मिले। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, एक बार कमेंट में जरूर बताना। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।